Modern manufacturing process, introduction to lean manufacturing. What is lean manufacturing is, we are going to study here in this. So lean has been defined in a many different ways. Lean manufacturing, a definition, a systematic approach to identify and eliminating waste, non-value added activities through continuous improvement by following the product at the pull of the customer in pursuit of perfection. Okay, so this is lean manufacturing. Hope you might be getting it. Lean has been defined in a many different ways. मतलब ये आपका वही चीज हो जाती है, systematic approach to identifying, eliminating waste. एक कोई भी systematic approach करो जिसमें आपको identify करना है waste को और उसको eliminate करना है. जैसे आजकल computers आ गए तो कागजी कार्रवाई जो है वो नहीं रही, कम होती गई है. जितना आप वेस्ट रिडक्शन कर रहे हो, क्योंकि आप सब कुछ सिस्टम पे आ गया, सब कुछ ऑनलाइन आता जा रहा है, तो कागज का काम बहुत कम हो गया है. By following the product at the pull of the customer in pursuit of perfection. Perfection लाने के लिए अपन ने कागज दिया. पहले रेलवे लाइन में क्या होता था, रेलवे में तो खूब कागज बनता था, खूब कागज का काम होता था. अब यह हो गया कि कागज कम होके सब कुछ सॉफ्ट कॉपी में आ गया है कंप्यूटर आके आने से. सो दिस इज अ टाइप ऑफ इल्यूमिनेटिंग वेस्ट, है ना. ई वेस्ट ज्यादा होने लगा है, कागज का वेस्ट, रद्दी वाला वेस्ट कम हो गया है. सो दिस इज अ शॉर्ट एग्जाम्पल कि आपको वेस्ट को इल्यूमिनेट करना है और सिस्टमेटिक अप्रोच करना है. ये वर्ड्स को याद रख लो आप, सिस्टमेटिक अप्रोच, रिमेंबर दीज वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग. यू हैव टू यूज दिस सिस्टमेटिक अप्रोच, आइडेंटिफाइंग, एलिमिनेटिंग वेस्ट, आइडेंटिफाइंग, एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड वैल्यू एडेड एक्टिविटीज. ये सब वर्ड्स आप याद कर लो, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स, ये वर्ड्स याद कर लो आप. पूरे इस सब्जेक्ट के अंदर यही यही वर्ड्स चलते रहते हैं घुमा फिरा के बस. ओके, सो दिस इज लीन मैन्युफैक्चरिंग. नाउ द सेकंड वन इज, इन लोगों ने 1850 से चालू हुआ था, इंटरचेंजेबल पार्ट्स, ड्रॉइंग कन्जर्वेशन, विटने, टेलर, गिल्बर्ट, ये सब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के हैं. शिंगो, ओहनो, दीज आर ऑल इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स हैं ये लोग. इन लोगों ने इंडस्ट्री का डेवलपमेंट के लिए ये सारे काम किए थे इन लोगों ने. ओके, नाउ वी हैव दिस जेम्स मैकडैनियल, द मशीन दैट चेंज्ड द वर्ल्ड, द स्टोरी ऑफ लीन प्रोडक्शन, टोयोटा सीक्रेट वेपन इन द ग्लोबल कार वॉर्स दैट इज नाउ रिवोल्यूशनाइजिंग द वर्ल्ड इंडस्ट्री. इन दिस बुक, आप ये बुक देखोगे, फिलोसफी अगर पढ़ोगे, जेम्स मैकडैनियल, टी जोन्स एंड इनकी जो बुक है मशीन दैट चेंज्ड द वर्ल्ड, दैट इज टोयोटा. टोयोटा ने बहुत वर्ल्ड को चेंज किया 1950s के बाद. उन्होंने अपने इंडस्ट्रीज को इम्प्रूव किया कम रिसोर्सेज के साथ में, मैन पावर बहुत लो, मैन पावर के अंदर ज्यादा काम करके दिखा देते थे. सो तो वहां से फ्रेज आया है लीन मैन्युफैक्चरिंग. तो अपन को अपनी डे टू डे लाइफ में भी ये करना है. अब ये कैसे हुआ है, ये वी विल बी लुकिंग एट इट हियर. ओके, अब जैसे हाउ टू इंक्रीज प्रॉफिट, ये हर चीज को करना है, हर आदमी को लगा सकता है अपने डे टू डे लाइफ में. आप प्रॉफिट को इंक्रीज कैसे करोगे, हाउ यू कैन इंक्रीज द प्रॉफिट. अब जैसे इसके अंदर ये वेस्ट हो रहा है, तो ये वेस्ट को लिमिनेट करा, इसके अंदर बढ़ा दिया उन्होंने, ये इसका कुछ प्रॉब्लम है स्लाइड में ना. ओहनो जो थे 1990 तक रहे हैं द टोयोटा एग्जीक्यूटिव, हु वॉज द मोस्ट फेरोशियस फॉर योर वेस्ट ह्यूमन History has produced the identified 5-7 types of muda in the manufacturing system. Muda means Japanese word होता है, जो के इसको waste बोलते हैं. अब आपको waste को remove करना है, जैसे storage हो गया, transportation हो गया, waiting हो गया, motion हो गया, process हो गया, defects हो गया, overproduction हो गया, इतने type के muda होते हैं. इसको muda मतलब waste, Japanese में waste बोलते हैं इसको. सबको समझ में आ रहा है ना हिंदी में. दानिश, वैभव पटेल, अनम्यूट करके बताइए. यस सर, है ना, मुड़ा या समझ में याद रहेगा. जापानीज में मुड़ा किसे बोलते हैं, वेस्ट. एक गायब हो गए, हट गए एक भाषा. सॉरी. सो मुड़ा इज वेस्ट. अब ये सब वेस्ट में मानते हैं,
अगर आप स्टोरेज कर रहे हो, कोई चीज रख रहे हो, तो मीन्स दैट इज अ काइंड ऑफ ए वेस्ट। तो आपको उसको रिमूव करना है। स्टोरेज हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेटिंग हो गया, मोशन हो गया, प्रोसेस हो गया, डिफेक्ट्स हो गया, ओवर प्रोडक्शन हो गया, तो दीज आर ऑल वेस्ट। अगर आप यूज नहीं कर रहे सो इट इज अ वेस्ट, है ना, तो इसको मुडा बोलते हैं। अब इसको उन्होंने कहा कि भैया इसको रेक्टिफाई करो, है ना। तो ये होता है वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, फास्ट सेटअप, फोकस लेआउट, स्मॉल लॉट्स, पुल सिस्टम, टक टाइम, टॉक टाइम, लाइन बैलेंसिंग, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, एरर प्रूफिंग, 5S, सीरो सीटो सीखो जाता, हाउस कीपिंग वैसे करना, ऑटोमेशन। अगर आप ये काम अपने घर में भी करना शुरू कर दोगे या अपनी पर्सनल लाइफ में करोगे तो आप बहुत परफेक्ट हो जाओगे, लोगों आम लोगों से अलग हो जाओगे आप, आपको सक्सेस मिलने शुरू हो जाएगी और दिखेगा आपको। अभी आप अगर 6 महीने का प्लानिंग बनाओ इस हिसाब से, ये जो लीन ओवर ये दिख रहा है ना, तो आप अपनी लाइफ में कर लोगे। आप अपने घर में ही जाके देखोगे आपके यहाँ क्या क्या चीजें वेस्ट हैं, हो रही हैं, क्या क्या चीजें स्टोरेज में पड़ी हुई हैं, उनको साफ सफाई करना चालू करोगे आप, जो कि यूज नहीं हो रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल बी स्ट्रीमलाइंड इन योर लाइफ, डे टू डे लाइफ ऑटोमेटिकली स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो जाएगा चीजें, ठीक है। तो आप ये करके देखिएगा एक बार। Now 5S, 5S अपन पढ़ेंगे। These are the tools. ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। Value streaming mapping, standardized work, load leveling, kaizen, kanban, visual workplace, quick changeover, end on, poka yoke, one piece flow, cellular manufacturing. These are all lean manufacturing techniques हैं। तो इसको अपन को ऐसा वर्क करना। नाउ दिस वन इज प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम, प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम, पुश सिस्टम। अब इसके अंदर आपको प्लानिंग करनी है। प्रोडक्शन मतलब इंडस्ट्री। अगर इंडस्ट्री की बात करें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री, देयर इज अ लॉट मेनी थिंग्स, अ लॉट मेनी पीपल एंड लॉट ऑफ प्लानिंग इज इन्वॉल्वड। नाउ सो इन दैट प्लानिंग वी हैव टू फर्स्ट यू टू सी व्हाट इज द इनपुट वी आर गिविंग टू दिस इंडस्ट्री एंड व्हाट वी आर गेटिंग द आउटपुट एंड हाउ द प्रॉफिट कैन बी अर्न फ्रॉम दैट इनपुट। सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट। नाउ इन दैट वी गेट इज बिजनेस प्लान, फाइनेंशियल प्लान, मार्केट प्लान, कैपेसिटी। दीज आर द इनपुट व्हाट वी आर गिविंग, बिजनेस प्लान, फाइनेंशियल प्लान, मार्केट प्लान, कैपेसिटी, देन प्रोडक्शन प्लान, फोरकास्ट, कस्टमर ऑर्डर्स, इन्वेंट्री एंड कैपेसिटी। So these are all related terms which we are using in the input process. Forecast means you have to analyze that if we have made a Maruti car, whether it will be sold or not sold. If you are making a Thar, Mahindra Thar, how much unit to be produced? That comes under forecast. This is an example of a forecast. Okay, now the customer orders, that is also an important thing. Then inventory, capacity, MPSS. Material requirements, material planning system, bill for materials, inventory and capacity. So, so much planning is being required and very, very, very effective planning is a must for before starting an industry. Production planning, master production schedule, material requirement plan. Now, aggregate plan by product groups, inventory levels, details plan, week by end time. Time phase, manufacturing and purchase orders for raw materials, for components. So these are the things which has been added. Output, detail plan, time pass. Okay, we are using these things. Hope this is push or pull system. Now this is you can see a sort of a phase one diagram. This is the raw material. And then incoming parts, some raw material, some parts are also being added. Then these are the bins, incoming parts, bin one, these are proper raw materials and incoming parts. So many, here we can see that in this figure, there are so many feeder line, raw material part. And then machines are arranged in this manner in an industry. If you enter an industry from here you will see that storage is there, raw material are entering. Raw material, suppose for example you are preparing nut and bolt, so iron will be entering from here. This is M1, M2, M3, M4, these are machine ones.
And here, by which we are manufacturing nut and bolt, here machine two, suppose threading is going on, the machine parts are coming here, and the incoming parts for the machine four is coming here, and so on and so forth. Precision equipments are there, work counter, work centers are there. This is the work center, you can see here, work center four options, options there, CNC machines are there. So these are things, in this is an example what I am giving to you. Ship directly to customer or place in finished goods inventory before shipping to the customers. We have to ship it directly here. So these are the factors how push and pull planning is being done. In your house also, आप अपने घर में देखिए वास्तु के हिसाब से जो होता था कि आप घर में घुसे, घर में घुस के पहले बरांडा आता है, जूते चप्पल उतारते हो, फिर आपका डाइनिंग रूम आता है, फिर डाइनिंग रूम के बाद दूसरे रूम्स आते हैं, सोने का कमरा है, ये किचन है, फिर ये टॉयलेट्स हैं, इस टाइप से प्लानिंग की जाती है. सो दैट इज पुश एंड पुल, सेम इज विद लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, राइट. अब इस प्लानिंग को उन्होंने क्या किया, रिप्लेसमेंट सुपरमार्केट पुल सिस्टम. ये पहले ऐसा होता था, शेड्यूलिंग डिपार्टमेंट ऑर्डर किया, कस्टमर हुआ, प्रोसेस वन हुआ, प्रोसेस टू हुआ, इस मशीन से पास हुआ, उस मशीन से, और प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर ऑर्डर को चेक करना है, कस्टमर को जा रहा है, ये शिप करके कस्टमर चला गया. द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ लीन पुल सिस्टम इज रिप्लेसमेंट और सुपरमार्केट सिस्टम यूजिंग इन्वेंट्री पॉइंट्स नोन एज सुपरमार्केट्स. ईच प्रोसेस प्रोटोकॉल टू रिप्लेस ओनली व्हाट इज ड्रॉन फ्रॉम द सुपरमार्केट. नाउ दिस इज कनबन, दिस इज कनबन, कनबन, यू कैन सी दैट दिस इज कनबन. ओके, उन्होंने उसकी प्लानिंग करके वेस्ट को रिड्यूस कर दिया, स्टोरेज हुआ, वेस्ट हुआ, ये जो जो चीजें आपके वेस्ट हैं उसको उन्होंने रिड्यूस करना शुरू कर दिया. बस ये क्या किया उन्होंने, है ना, वेस्ट को, वेस्ट रिडक्शन का प्रोसेस चालू कर दिया उन्होंने. यहाँ पर आप इसको देखो कि ये इतना घूम फिर के मशीनें आ रही थी, उससे पहले देखा फिर मशीन यू गई और फिर रॉ मटेरियल यू गया, इतना कंफ्यूजन हो रहा है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कहाँ पे जाना है. ये फिनिश गुड यहाँ पे मिल रहा है, मार्केट सब घुमा फिरा कैसा हो रहा था. अब इसको उन्होंने सही करने की कोशिश की, इसको उन्होंने सीक्वेंस पे रेक्टिफाई कर दिया अपन ने. तो दैट इज, ये अगर आप किसी इंडस्ट्री के ऐसा हालत देखोगे तो वो इंडस्ट्री तो लीन मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगी, लीन लीन प्रोडक्शन में आ जाएगी, अगर ऐसी ऐसा फ्लो चार्ट दिखने को मिलेगा आपको. और एक ये कितना एक्यूरेट है, ये वर्क शेड्यूल है, यहाँ प्रोडक्शन है, यहाँ से आपका रॉ मटेरियल आ रहा है, मशीन वन टू थ्री है, वॉशर्स हैं, यहाँ से आप इक्विपमेंट्स लेकर ट्रांसफर कर सकते हो, वीकली शेड्यूल है, असेंबल्ड पॉइंट है दिस. तो एक कुछ थोड़ा आपको अरेंज दिख रहा है, वेल प्लान दिख रहा है, ये जो प्लान दिख रहा है आपको इंडस्ट्री का, है ना, कंपेयर टू ये, इसके कंपेरिजन में दिस इज मच प्लांट. होप एवरी वन इज गेटिंग इट. कोई क्वेश्चन? No, sir. समझ में आ रहा है ना आपको? प्लानिंग से, प्लानिंग से इंडस्ट्री में बहुत फर्क पड़ता है, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है आपका. वेस्ट रिड्यूस करना है अपन को, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना है. एट विच स्टेशन आर द पार्ट्स वेंट ऑन, और उसका रिफाइन किया तो ये रिफाइंड पार्ट्स आ गया, क्योंकि ये मशीनरी आई, ये इसके वॉशर, वॉशर यहीं पे स्टोरेज बना दिया उन्होंने. देखो मशीन के पास ही स्टोरेज चले, वहीं से वॉशर लिए, ये आर्मी बैठे हुए या यहाँ से सप्लाई करते जाते हैं इन मशीनों को, दोनों मशीनों को, जैसा आपने कार में देखा है. ये फिर ये कस्टमर एंड पे पहुंच जाता है, तो इनका इतना ज्यादा पार्ट्स बने और इनके अंदर ऑपरेशंस लिख दिए, कितने ऑपरेशंस लगे और फोरकास्ट भी कर लेना, ये इस टाइप से कर लिया, और एडवांस हो गया ये प्लानिंग, सो ऑन एंड सो फॉर. नाउ व्हाई टू चूज, व्हिच टू चूज एमआरपी, एमआरपी इज मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग और कनबन, इसको कनबन कहते हैं. आपको प्लानिंग क्यों करनी पड़ती है, हर चीज की प्लानिंग होती है कि इस साल आप लोगों ने बहुत सारा प्लानिंग कर ली होगी कि इस साल हम डिप्लोमा करके निकल जाएंगे, नौकरी लग जाएगी, ये हो जाएगा, जो आपकी प्लानिंग होती है तो वो टारगेट पे कितना अचीव होता है, हिट हुई. एमआरपी इज बाय इट्स वेरी नेचर ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग सिस्टम, एमआरपी कैन बी वेरी इफेक्टिव इन एन एनवायरमेंट विद अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएबिलिटी. एमआरपी इज रिकॉग्नाइज्ड एन इंजन टू ड्राइव एन इंटीग्रेटेड Integrated enterprise wide information system, purchasing and logistic activities were similarly being integrated with the fundamentals, internal materials, management principles into an enterprise wide approach. See, this is introduction to lean. MRP जो होता है
an engine to drive an integrated enterprise, wide information system, purchasing, logistics, activities, etc. So these are the things जहाँ पे MRP होता है, ये इसकी definition है. आप इसके bullet words याद कर लीजिए और उसको लिख के आ जाइएगा. Hope you are getting it. I will be sending this presentation to you all. अब इसके अंदर एक चीज आ जाती है, MRP आपका effective क्यों नहीं है. कोई अगर ये कहेगा why it is not effective, तो is a predictive system. It does not reflect to customer's demand. Easy to get overproduction. Company makes MRP suggestion act on them without too much review is very risky. तो ये उसके मान लो आप drawbacks, मान लो आप कि ये इसके drawbacks हैं lean manufacturing के. Okay. Can consider it as a as drawbacks. Okay. Now MRP generates high overload. These are all इसके drawbacks तो नहीं है, ये आप ये मान सकते हैं कि myth है कि MRP builds high work in process, lead time is fixed. These are all advantages. इसको अपन ऐसा बोलते हैं. These are all ऐसा आपने सोच लिया कि ऐसा हो रहा है. ठीक. नाउ अदर पार्ट इज आपका वेयर इट इज नॉट एज इफेक्टिव. कंबन कैन क्विकली फेल इन हाई वोलेटाइल एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ रिएक्टिव नेचर ऑफ द सिस्टम, वोलेटिलिटी इन द कस्टमर डिमांड, प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स एंड एक्सटेंसिव चेंजेस इन प्रोडक्ट डिजाइन मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कंबन सिस्टम टू मूव इफेक्टिवली. ये डिसएडवांटेजेस है. जहां पर आपको लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन करना है वहां पर ये कंबन चलता है. जैसे आपकी मोबाइल टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्नोलॉजी है, आप देखो मोबाइल में हर 6 महीने के अंदर चेंजेस आते हैं, तो वहां पे कंबन इफेक्टिव नहीं है. ठीक है, ये इसके ड्रॉबैक में यूज कर सकते हैं. आप समझ रहे हो मेरी बात को. रिप्लेसमेंट ऑफ मटेरियल यूज इन टोटली रिएक्टिव मोड, कंबन वर्क्स बेस्ट इन अ हाई स्टेबल एंड प्रेडिक्टिव एनवायरमेंट. जहां पे स्टेबल स्टेबिलिटी होगी, जैसे आजकल खाने का है, फूड का है, फूड की डिमांड है, तो आपने अगर होटल खोला तो वहां पे कंबन चल जाएगा आपका. लेकिन अगर आपने ये करा है मोबाइल का दुकान है या मोबाइल की बिजनेस है, तो वहां आपका ये सब चीजें सक्सेस नहीं है. ओके, गेटिंग इट, होप यू आर गेटिंग. क्योंकि वहां पे बहुत फास्ट चेंजेस आते हैं. टच स्क्रीन वाला फोन आ गया, पहले बटन वाले फोन चलते थे, फिर एकदम 6 महीने के अंदर वो रिप्लेस हुआ तो पूरा टच स्क्रीन आया, फिर बड़े स्क्रीन आने लगे, फिर एकदम रैम आ गए, जल्दी जल्दी फीचर्स चेंज हो रहे हैं हर 1.5 साल में, तो वहां कंबन नहीं चलता वहां. ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू सिस्टम इज बिकमिंग क्वाइट कॉमन एंड MRP सिस्टम इज यूज फॉर एडवांस प्लानिंग इंक्लूडिंग लॉन्ग लीड टाइम, परचेज मटेरियल, एडिंग रिसोर्सेज, इंप्लीमेंटिंग प्रोडक्ट डिजाइन चेंजेस. वंस MRP हैज द मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज लाइंड अप, हाउएवर कंबन इज यूज्ड एज एन एग्जीक्यूशन सिस्टम bringing with the characteristics of rapid response to customer order and reduced inventory levels. So these are hybrid system nowadays. Dono ko combine kar rahe hain, Kanban aur MRP ko, aur apan ek system bana rahe hain. Okay, now objections of lean. How should you deal with these objections in lean? It is very hard to deal with the raw material supply if we fully depend on customer order. It takes too much discipline. It takes too long to implement. My process is too complex. I have to deal with it too many uncontrollable variables like late supply, shipments, sick people, etc. My process requires a large batch size. It doesn't make sense in any industry. So lean and green. आपको ये करना है. Green engineering is system level approach to product. ये definitions हैं. आप इसको screenshot लेते जाइए. And process design where environment attributes are treated as a primary objectives or opportunities rather than simple constraints. Environment impacts due to production and waste generation have made its way into everyday society. Okay, lean manufacturing is a link to green engineering. Avoid toxic hazard materials. ये इसके points हैं, 6 goals होते हैं green engineering के, आपको use करना है. Low environmental impact materials. Avoid toxic or hazardous materials. Choose cleaner production process. Maximize energy and water efficiencies. Design for waste minimization. Design for recyclability and reuse of materials. So these are 6 goals of lean manufacturing and a link to green engineering.
नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ, वेस्ट इंक्रीज होता है, फॉसिल फ्यूल्स आर डिमांडिंग, ये इनके साथ लीन मैन्युफैक्चरिंग के इतनी सारी चीजें होती हैं क्या, फॉसिल फ्यूल बढ़ते जाता है, डिमिनिशिंग फॉसिल फ्यूल मतलब ये जो पुराना जंगल वंगल है बिल्कुल कम हो गए आजकल, देयर इज नथिंग रिप्लेसिंग देम, कंज्यूमर्स आर बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ द एनवायरमेंट एंड प्रेफर एनवायरमेंटली फ्रेंडली कंपनीज, बीइंग लीन एंड ग्रीन इज सो इंपॉर्टेंट नाउ टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर. द ओनली रियल डिफरेंस बिटवीन लीन एंड ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इज Green actually designs the product or processes with the environment as a constraint, while lean creates a process with a view of environment as a valuable resources. So, ये इनका difference है lean और green के अंदर. Now, key steps in transforming a company to a lean approach. आपको इसको जो steps होते हैं, steering team बनानी पड़ेगी आपको. Train the steering team, perform product quality routing. These are the words. Calculate model line, take time, identify the value stream, then balance the line, assign standard work, establish standard working process, inventory levels, test the system, virtual cell. These are 10 points you have to identify to make a लीन मैन्युफैक्चरिंग इनटू प्रॉफिटेबल यूनिट. लीन यूनिट को प्रॉफिटेबल यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए ये काम करना पड़ता है आपको. एस्टेब्लिश विजुअल सिग्नल्स ये बनाना पड़ेंगे, एक्सप्लोर ऑटोमेटिक फ्लो पैटर्न, डेवलप ब्लॉक लेआउट, डेवलप डेटा लेआउट एंड दीज आर द रेफरेंसेस फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन इट.